कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम आपकी सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी हम एमसीक्यू के माध्यम से करा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मिक्सचर और एलिगेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट हैव टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपका यहाँ से आपका एक नंबर का प्रश्न आपका निश्चित तौर पर हर बार में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को हम देखेंगे और साथ में इसमें और अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं हम उसको भी एक बार ध्यान से देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न में आते हैं। दो मिश्र धातु है आपके पास, पहला मिश्र धातु आपके पास ए है और दूसरा मिश्र धातु आपके पास बी है। ठीक, पहले में आपके पास 60 किलो की मात्रा है और दूसरे में आपके पास 100 किलो की मात्रा है। ठीक है, जिसमें लीड और टेन, सीसा और टीन, तीन अनुपात दो में है। तो इसमें लेड और टीन दो अनुपात दो और तीन के अनुपात में है और दूसरे में लेड और टिन एक और चार के अनुपात में। ये दोनों को मिलाकर हम एक जगह एक नया क्या करते हैं, हम लोग एक नया मिश्र धातु बना रहे हैं। ठीक, अब उस नए मिश्र धातु में आपको दोनों का अनुपात क्या होगा आपको ये भी पूछ सकता है, या लीड का कितना मात्रा होगा, टिन का कितना मात्रा होगा आपको ये निकाल सकता है। हमको यहाँ पर क्या बोला, हमको टिन की मात्रा निकाल। टोटल पांच भाग है, उस पांच भाग में तीन मात्रा, तीन भाग किसका है, टिन का है। तो इसमें टिन की मात्रा कितनी हुई, तीन बटे पांच गुणित साठ, इसमें हुआ 36। ठीक है, इसमें जो टिन की मात्रा है, इसमें जो आपके पास टिन की मात्रा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ टिन, ये बस हाँ, इसमें जो टिन की मात्रा है वो कितना है, चार बट्टे पांच गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना दिया अपने पास, सौ, पांच एक बार में पांच, यहाँ पर बीस बार में, तो ये कितना हो जाएगा, अस्सी, छत्तीस और अस्सी कितना हुआ, एक सौ सोलह, कितना हुआ, एक सौ सोलह, एक सौ सोलह यहाँ पर क्या हुआ, टिन हुआ, लीड बोलेगा तो टोटल एक सौ साठ है, एक सौ साठ में से एक सौ सोलह गया तो बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बचा चवालीस, हमारे पास क्या बचा, टिन बचा। तो ठीक, तो हमको यहाँ पर क्या बोला है, किसका पूछा है, लीड और टिन, लीड और टिन, लीड और टिन, अमाउंट ऑफ टिन पूछा है ना। ठीक, अच्छा इसको ठीक कर लीजिएगा, वो यहाँ पर अपने को टिन की जगह यहाँ पे वो अपने पास लेड है ना, ठीक, यहाँ पे लेड है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, चवालीस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके दोनों तरीके बताता हूँ आपको। आपके पास दो अयस्क रखा हुआ है, पहले में क्या रखा हुआ आपके पास, पहले में ए अयस्क है और दूसरे में आपके पास बी है। ठीक, पहले में जो आपके पास टिन और कॉपर है, टिन और कॉपर है वो है अपने पास 13 और 11 के अनुपात में है। ठीक, दूसरे में जो टिन और कॉपर है वो आपके पास 5 और 7 के अनुपात में। ठीक है, दोनों का दिया, एक बात दिया, दोनों का समान मात्रा, दोनों का यहाँ पर क्या दिया, समान मात्रा, इसका मतलब अगर यहाँ पर 10 किलोग्राम है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 किलोग्राम होगा, अगर यहाँ पर 20 किलोग्राम तो यहाँ पर भी क्या होगा, 20 किलोग्राम। तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि आपको ये पता करना है कि वो इक्वल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर कितना है 13 और यहाँ पर कितना है 11। ठीक, टोटल 13 और 11 कितना हुआ, 24, कितना हुआ हमारे पास 24। ठीक है, यहाँ पर पाँच और यहाँ पे सात, पाँच प्लस सात कितना हुआ 12। ठीक, तो वो जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, 12 और 24 का अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए,
तो एलसीएम कितना आया 24, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 24 किलोग्राम है और यहाँ पर भी 24 किलोग्राम है, ऐसा मान लेते क्योंकि दोनों में समान मात्रा है, ठीक है। तो टिनो कॉपर का अनुपात निकालना है। अब 13 और 11 इसमें 13 भाग की टोटल कितना हुआ, टोटल 24 भाग है, टोटल 24 भाग में 13 भाग किसका है टिन का और 11 भाग किसका है कॉपर का, तो यहाँ पर टिन कितना हो गया, टिन यहाँ पर हुआ 13 और कॉपर कितना हुआ 11, ठीक। यहाँ पर कितना हुआ 5/12 भाग, टोटल कितना है 24, तो 24 से मल्टीप्लाई किए तो एक बार में दो बार में, तो यहाँ पर कितना हुआ 10 और 24 में से 10 गया तो यहाँ पर कितना बचा 14। तो बात टोटल टिन की करेंगे, टोटल हम टिन की करेंगे तो यहाँ पर कितना हमारे पास 13, ठीक है, 13 और 10 कितना हुआ 23, 23 भाग हमारे पास ये हुआ और 11 और 14 कितना हुआ 25 भाग हमारे पास क्या हुआ कॉपर, ये हमारे पास हुआ, ठीक। ये आपका पहला तरीका था, ये आपका क्या था हमारे पास ये पहला तरीका था, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम और कैसा बना सकते हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं पहले में, पहले में जो है टिन और कॉपर किस मात्रा में है, 13 और 11 के मात्रा में है, और इसमें किस अनुपात में है टिन और कॉपर, इसमें किस अनुपात में 5 और किस अनुपात में 7 अनुपात में, ठीक। दोनों का समान मात्रा, इक्वल इक्वल क्वांटिटी है, यहाँ पर टिन कितना हुआ 13/24 और प्लस यहाँ पर कितना हुआ, ये अपने पास 5 है, 5/12, ठीक, ये किसका हुआ टिन का हुआ, ठीक है, क्योंकि 13 और 11 कितना हुआ 24 भाग हुआ, तो 13/24 भाग ये हुआ और इसका 5/7 12 हुआ, तो 5/ यहाँ पर क्या हुआ 12 भाग। बात कॉपर का करते हैं तो कॉपर कितना हो जाएगा 11/ क्या हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/12, लघुत्तम आया 24, यहाँ पर 13 इससे भाग के 2 आया, 13 और 12/24 यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर 24 यहाँ पर 11 और 12 × 12 × 7 × 14 कैंसल हुआ, 13 + 12 कितना हुआ 25 और है ना, सॉरी 13 + 12 कितना 25 और ये कितना हुआ, सॉरी 13 + 10 होगा ना, मिस्टेक, ये हुआ 13 + 10, ये 13 + 10 कितना हुआ 23 और ये 11 + 14 कितना हुआ हमारे पास 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23/25। आपका मिश्र धातु ए और बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बी है, दो मिश्र धातु ए और बी, ठीक है। उसमें कॉपर और जिंक 3 और 4 के अनुपात में है, इसमें कॉपर और जिंक 5 और 9 के अनुपात में है, 5 और 9 के अनुपात में, ठीक। अब इससे पहले यहाँ पर क्या था हमारे पास समान मात्रा दिया था, अब मात्रा अलग है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए और बी को हम 2 और 3 के अनुपात में ले रहे हैं, मतलब उसका जो क्वांटिटी है 2 और 3 के अनुपात में, तो इसका मतलब अगर मैं ए को लिया 2 किलोग्राम, अगर मैं ए को 2 किलोग्राम लिया तो बी में कितना किलोग्राम लूंगा, बी में लूंगा 3 किलोग्राम। टोटल 3 और 4 7 भाग है, तो उसमें कॉपर कितना हुआ 3/7 और जिंक कितना हुआ 4/7। अब टोटल 2 किलोग्राम है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कॉपर हुआ 6/7 और जिंक हुआ 8/7, ये पहला स्टेप। अब जब बात इसमें करते हैं तो यहाँ पर कॉपर हुआ 5/14 और जिंक हुआ 9/14, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर कितना लीटर कितना किलो है 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 15/14 और ये हुआ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 27/14, ये हमारा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल कॉपर का, टोटल कॉपर कितना है, पहले में वहाँ पर कितना है 6/7 है और दूसरे में कितना है, दूसरे में 15/14 है, ठीक,
लघुत्तम निकाले कितना हुआ हमारे पास, 14 हुआ, इससे भाग के दो, 6 × 2 = 12 प्लस यहाँ पर क्या हुआ 15। बात करेंगे जिंक का तो वहाँ पर हुआ हमारे पास 8/7 प्लस यहाँ पर देखें तो ये हुआ 27/14, ये हमारे पास हुआ, ठीक है, ये 8/7 है। लघुत्तम निकाले कितना हुआ, 14 हुआ, तो 8 × 2 = 16 प्लस यहाँ पर क्या हुआ 27, 16 प्लस यहाँ पर क्या 27, ये दोनों कट गया। 12 + 15 कितना हुआ 27 और ये कितना हुआ, ये हमारे पास 16 और ये 27 कितना हुआ हमारे पास 43। तो हमारा आंसर कितना हो गया 27:43, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर। अब इसको और हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया 3 और 3 और 4 तो कितना हुआ 7, 5 और 9 ये कितना हुआ हमारे पास 14, 2 और 3 कितना हुआ 5, ये सबसे पहला काम, ठीक है। 7, 14 और 5 का हमने लघुत्तम निकाला, लघुत्तम हुआ 70, कितना हुआ 70, मतलब ए और बी का जो टोटल क्वांटिटी है उसको हम ले लेते हैं 70 किलोग्राम, मतलब ए में जितना मात्रा रखा हुआ कॉपर और जिंक का और बी में जितना मात्रा रखा कॉपर और जिंक का उसको अपन क्या ले लेते हैं 70 किलोग्राम, और ये किस अनुपात में बांटा है 2 और 3 के अनुपात। तो पहले वाले में ए में जब बात करेंगे ए में 2/5 पहले वाले में कितना हो जाएगा 2, जब बात करेंगे ए का तो ये हो जाएगा 2/5 × 70 कितना हुआ 28, ठीक है। दूसरे वाले में बात करेंगे, अब 70 में यहाँ पे 28 हो चुका है तो बी के लिए कितना बचेगा, बी के लिए बचेगा 42, ठीक, यहाँ तक हमारे पास आ गया होगा। अब इस 28 में और इस 42 में यहाँ पर कॉपर और जिंक और यहाँ पर कॉपर और जिंक, यहाँ पर है 3 और 4 के अनुपात में और यहाँ पर है 5 और 9 के अनुपात में, ठीक। 3/7 × 28 और 4/7 × 28 तो यहाँ पर मात्रा हुआ 12 और यहाँ पर मात्रा हुआ 16, ये पहला कंडीशन। यहाँ के बात करेंगे तो 5/14 × 42 और 9/14 × यहाँ पर क्या हो जाएगा 42, एक बार में 3 बार में तो ये हुआ 15, एक बार में 3 बार में ये हुआ 27, तो 12 और 15 कितना हुआ 27, 16 और 27 कितना हुआ 43, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27:43। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। प्रारंभ में किस अनुपात में है 4 और 7 के अनुपात में, ठीक है, किस अनुपात में 4 और 7 के अनुपात में, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 4 और 7 मतलब 4 + 7 कितना हुआ 11, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो गया कट गया। 7 में हम कितना लीटर मिला रहे हैं 25, तो मतलब ये क्या होगा जो होगा वो 5 से विभाजित होने वाला होगा, तो 5 से विभाजित होने वाला कौन सा हो सकता है ये, ठीक। तो अब देखते हैं कि इसमें किस कौन सा आंसर हमारे पास हो सकता है। पहले में दूध और पानी किस अनुपात में है 4 और 7, मतलब 4x और कितना x है 7x, 25 लीटर और पानी मिला रहा है, तो ये पानी है ना, 25 लीटर पानी मिलाया तो क्या अनुपात हुआ 6/13, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 52x बराबर यहाँ मल्टीप्लाई किए, ये 52x यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 42x बराबर कितना हुआ हमारे पास 150,
ठीक है, इधर ला के माइनस किए, 10x बराबर कितना हुआ 150, तो x कितना हुआ 15। तो शुरुआत में 4x था, 15 चौक 60, 7x था, 15 सत्ते 105, प्लस कर लेते हैं टोटल 165, ये आ गया हमारा आंसर। बहुत बार आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में 17:3। दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:1 क्या हो जाता है 1, तो कितना दूध मिलाया जाए हमको ये निकालना है, ठीक है ना। चलिए सही है ना, तो टोटल 200 लीटर है, उसमें पहले में दूध और पानी, मिल्क और वाटर 17:3 है, तो दूध की मात्रा कितनी हुई 17/20 गुणित 200, तो ऑटोमेटिकली दूध हमारे पास हो गया 170 और पानी हमारे पास कितना हो गया 30। ठीक, दूध की कुछ और मात्रा मिलाने पर, मान लेते हैं x लीटर दूध और मिला दे रहे हैं, और उस कंडीशन पे ये क्या अनुपात हो जा रहा है 7/ यहाँ पर क्या हो रहा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 170 प्लस एक्स बराबर 7 से किए तो 210, तो एक्स बराबर 210 में से 170 गया तो कितना बचा 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, एक बर्तन में 90 लीटर दूध से भरा है, पहले आपके पास ये बर्तन है और इसमें कंप्लीट 90 लीटर यहां पर क्या है मिल्क है, ठीक है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, ठीक है, और इस प्रक्रिया को दो बार और दोहराया गया, तो तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा निकालना। ये वाला क्वेश्चन आपको अक्सर परसेंटेज में पूछता है, उसको भी बताऊंगा। देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपके पास जितना मिश्रण निकाल रहा है ना, उसकी जगह कंप्लीट क्या डाल रहा है, वापस क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा है। तो जब पहला कंडीशन होगा, जब 18 लीटर दूध निकालेगा, इसमें से क्या निकालेगा 18 लीटर क्या निकालेगा दूध निकालेगा और फिर पानी मिलाएगा, तो 18 जब पहली बार निकाला तो कंप्लीट 18 लीटर टोटल क्या निकला दूध निकला। दूसरी बार क्या करेगा, जब वह बाल्टी डालेगा तो और उसमें से 18 लीटर निकलेगा, तब उसमें पानी ऐड हो चुका है, तो अगली कंडीशन पे क्या होगा दूध तो निकलेगा निकलेगा, साथ में क्या होगा पानी भी वहां पर क्या होगा निकलेगा, तो धीरे धीरे यहां पर क्या होगा जो दूध का क्वांटिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब पतलापन आ जाएगा, और पानी का क्वांटिटी यहां पर क्या होगा बढ़ते रहेगा। ठीक, निकाल कितना रहा है 18 लीटर, तो अगर 90 में से 18 लीटर को निकाल रहा है, 90 में से 18 को निकाल रहा है, तो बचा कितना हमारे पास 72, तो 90 गुणित 72/90, ये पहली बार प्रक्रिया ऐसा किया, तो यह प्रक्रिया दो बार और दोहराया गया, मतलब अगली बार भी 72/90 और उसके बाद भी 72/ यहां पर क्या हुआ 90। ठीक, पहले कंडीशन पे यहां यहां पर कट चुका है, अब बचा है 72 गुणित 18 चार बार में, 18 पांच बार में, तो कितना बचा 72 गुणित 4 गुणित 4/ यहां पर क्या बचा 25। यहां तक क्लियर हुआ, अब 72 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4/25 गुणित क्या कर देते हैं 4। एक तरीका यह है कि हमने यहां पर क्या किया, सबको मल्टीप्लाई किया और 25 से डिवाइड किया, 25 चौक क्या हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा 25 चौक करो नीचे में यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन वहां पर क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के हिसाब से। और ऊपर में क्या बचा हमारे पास, बचा ऊपर में अगर मैं देखा तो हमारे पास क्या बचा है 72 into, यहां पर क्या बचेगा 4³ मतलब क्या होगा 64, तो 72 into 64 कर लेते हैं, 4 × 2 = 8 हुआ, 4 × 7 = 28 और 28 ठीक कैंसल हुआ, 6 × 12 = 2 हासिल 1, 6 × 7 = 42 और 1 कितना हो जाएगा 43,
तो ये 8 बचा, ये 0 बचा, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर ये, नीचे यहाँ पर क्या था, 100 था। तो वर्तमान में 46.08 लीटर यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, दूध बचा है। और अगर सपोज आपको बोलेगा कि वर्तमान में पानी का मात्रा कितना है, तो क्या करेंगे उसको 90 से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक, अब एग्जाम में आपको इस 18 लीटर की जगह, 18 लीटर टोटल कितना है, 90 लीटर है, तो 18 लीटर 90 लीटर का कितना भाग है, 20%। तो आपको ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे 90 लीटर दूध है, इसमें से 20% मिश्रण को निकाल कर उसमें उतना पानी मिला दिया जा रहा है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। इस बार क्वांटिटी थोड़ा सा अलग अलग है ना। ठीक, स्टार्टिंग में 80 लीटर दूध से भरा है। ठीक, स्टार्टिंग कितना लीटर है, 80 लीटर दूध से भरा है। पहले कितना निकाल रहा है, 10 लीटर, तो बचा कितना, 70/80। दूसरे में क्या कर रहा है, 16 निकाल रहा है, बचा कितना, 64/80। तीसरे में क्या कर रहा है, 8 लीटर निकाल रहा है, बचा कितना, 72/80। तीसरे में क्या कर रहा है, उसके बाद चौथे में 20 लीटर निकाल रहा है, बचा कितना, 60/80। ठीक, पहले कंडीशन पे ये और ये कट गया। ठीक, दूसरे कंडीशन पे ये और ये, ये और ये कट गया। ठीक, 8×8=64, तो ये दोनों भी कट गया। ठीक है, 8 10 बार में 8 9 बार, तो बचा कितना, 7×9×6/10, यही बचा। ठीक, 7 ने कितना हुआ, 63 हुआ, 63×6 378/10 = कितना बचेगा, 37.8 लीटर। अब वर्तमान में क्या बचेगा, दूध बचेगा। ठीक, सॉरी, ये कितना बचा अपने पास, पानी, दूध बचेगा। अगर बोलेगा दूध, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछा क्या हमको, पानी पूछा है, पूछा क्या हमको, पानी। तो टोटल 80 है, 80 माइनस अगर हम क्या करें, 37.8 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 42.2 लीटर यहाँ वर्तमान में पानी बचेगा। एग्जाम में ध्यान देना, आपको पूछा क्या है, दूध पूछा है कि पानी पूछा है, एग्जाम आपको कन्फ्यूज कर सकता है। इसका एकदम सिंपल सा पैटर्न बताऊंगा, कोई इसको दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक, देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 2:1, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। पहले में कितना अनुपात है, 2:1 है, मतलब टोटल कितना भाग है, 3 भाग है। दूध का लेंगे पहले में 2/3 भाग। ठीक है भाई, हाँ, मिश्रण में कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में हो जाए, 5:3 तो टोटल कितना मात्रा हुआ, ये हमारे पास कितना हुआ, 8, दूध बोलेगा तो 5/8। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है ना। तो हम मान लेते हैं के भाग को, के मतलब मिक्सचर में कितना है अपने पास, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर, सपोज के पार्ट ऑफ द मिक्सचर को यहां पर क्या करें, रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब उसमें ये क्या बच रहा है, कंडीशन हमारे पास कितना बचा, 2/3 के = 5/8, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा, 18। एट प्रेजेंट कितना हो गया, के का वैल्यू कितना हो गया, 15/16, 1 से माइनस किए तो 1/15/1 - 15/16,
तो ये हो जाएगा 1/16, ये हमारा आंसर। ये पैटर्न याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है। बहुत बार बुक में आपको यहाँ पर क्या करेगा, आपको सपोज के भाग को निकाल रहा है ना, तो 2k/3 को निकाला, 1k/3 कर लिया, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा। तो अपने को दिमाग बिल्कुल लगाना, अपने को सिंपल सा मेथड ये वाला सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को ध्यान करना, अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं ऐसी क्वेश्चंस के, ठीक। मैं जो तरीके बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि आपको एकदम सरल तरीके बता रहा हूं, आपको एग्जाम बुकिश मेथड आपको नहीं बता रहा हूं, एग्जाम टाइम में कैसे अप्रोच करना है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। एक बर्तन में 24 लीटर मिश्रण है और दूध और पानी किस अनुपात में, 7:3 के अनुपात में, ठीक। 8 लीटर मिश्रण निकाल दे रहा है, ऑब्वियसली जब पहली बार में क्या करेगा, 8 लीटर मिश्रण निकालेगा तो दूध और पानी भी निकलेगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में कितने पास हमारे पास, हमारे पास स्टार्टिंग में 64 लीटर है। अब 8 लीटर मिश्रण निकाल दे रहा है तो हमारे पास बचा कितना, 56 लीटर, ठीक है। उसमें दूध और पानी किस अनुपात में है, दूध और पानी 7:3 में, 7:3 में, ठीक है भाई। मतलब दूध कितना हुआ, 7/10 बार, दूध मैं बोलूंगा तो 7/10 गुणित 56, तो 5.6 × 7 35 है ना, 7×5 = 35, 39.2 दूध है। पानी बोलेंगे तो 3/10 गुणित 5.6 16.8, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना, सही है ना, हाँ ठीक। अब क्या बोल रहा है, इसमें से 12 लीटर क्या उसमें दूध से रिप्लेस कर, अब यहां पर क्या, उसमें यहां पर नए मिश्रण में क्या, दूध निकाल, उसमें दूध डाल रहा है, तो नए में क्या हो जाएगा, नए में जो दूध होगा वो कितना होगा, 39.2 + 12, तो ये हो जाएगा 51.2 दूध। पानी कुछ नहीं कर रहा है, पानी को हम वैसे का वैसे रख रहे हैं, 16.8 वैसे का वैसे रख रहे हैं, पॉइंट पॉइंट कटा, तो बचा कितना, 512/168, ठीक है। चलो 8 से काटे तो 21 बार में, तो वर्तमान में क्या अनुपात है, 64:21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास पहले प्रकार का कॉफी पाउडर है जिसका कीमत कितना है, 2500 है। दूसरे प्रकार का आपके पास कॉफी पाउडर है उसका कीमत कितना है, 1500 रुपए, ठीक है। और दोनों को मिला के एक मिश्रण बना रहा है और उस मिश्रण को कितने में बेच रहा है, 2250 में बेच रहा है, ठीक, तो है ना। तो उसमें किस अनुपात में होगा, बड़े में से छोटे को माइनस किए तो ये हमारे पास बचा 250, बड़े में से छोटे को माइनस किए तो यहाँ पर कितना बचा, 750, 250 तीन बार में, 250 एक बार में, तो क्या अनुपात हुआ, 3:1 हमारे पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, यहां पर क्या था, अपने पास 2500 वाला और 1500 को मिलाए और मिला के किस अनुपात में मिलाना है कि डायरेक्टली 2250 से बेचा जाए। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको यह बोल रहा है कि 99.6 में बेचेगा ना, तब उस कंडीशन पे उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर 99.6 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ,
तो उसका एक्चुअल प्राइस कितना हुआ? 99.6 इंटू 100 बटे 20 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए नीचे कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, ये हम जानते हैं। प्रॉफिट वाले केस में सी पी इज इक्वल टू क्या होता है? एस पी इंटू 100 अपॉन क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हम जानते हैं। और 20% का प्रॉफिट बोला है, ये कटा, ये पॉइंट कट जाएगा और यहाँ पे जीरो। 12 से काटे तो 12 8 96, बचा 3 तो 43। ठीक है, तो मतलब 72 रुपये वाले को और 90 रुपये वाले को मिला के मैं कितने में बेच रहा हूँ? 83 में बेच रहा हूँ। यहाँ पर किया 7, यहाँ माइनस किया तो 11, तो 7:11 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन ये है, मनीष ने क्या किया है, पहले 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से, है ना, 25 किलो लिया कितने हिसाब से? 72 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर इस 25 किलोग्राम खरीदने में उसको कितना पैसा लगा? 800 रुपए लगा। ठीक, अगले 15 किलो को लिया 3600 प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो इस 15 किलोग्राम के लिए उसे कितना लगा? 540 रुपए। तो इसका मतलब 25 और 15 40 किलोग्राम के लिए उसे कुल कितना लगा? कुल उसको लगा 1340 रुपए। ठीक है, और वो 1 किलोग्राम को कितने बेचा मिलाकर? 40.20 के हिसाब से बेच रहा है। तो मतलब अगर ये 1 किलोग्राम 40.20 का है तो 40 किलोग्राम में कितना रहेगा? ठीक, ये जीरो लास्ट में कट गया, ये कट गया, यहाँ पर ये पॉइंट कट गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 1608। कितना हुआ? 1608। मतलब 1340 में क्या क्या खरीदा है और 1608 में उसको क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 8 में से 0 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 268 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 268 का प्रॉफिट हो रहा है और हमको बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 268 बटे 1340 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक बार में, पांच बार में, पांच एक बार में, पांच 20 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है ये। उसके पास टोटल 100 किलोग्राम चावल है। ठीक, 25 किलोग्राम को कुछ लाभ पर तथा शेष को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 10% का लाभ होता है तो बताइए 25 किलोग्राम को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? ठीक है, टोटल हमारे पास कितना किलोग्राम है? 100 किलोग्राम है, ये 25 किलोग्राम है और हम ऐसा मान लेते हैं 75 किलोग्राम। इन टर्म्स ऑफ नंबर परसेंटेज भी 100% होता है, इसको हम लोग 100 को ही बेस लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है? कुल 100 पर 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इस 100 का 10% प्रॉफिट कितना हुआ? मतलब इस 100 को टोटल 110 बना के बेचा है। ठीक, 25 को कुछ लाभ पर, शेष कितना बचा? 75। 75 को 8% के लाभ पर बेचा, तो 75 × 108/100। 25 तीन बार में, 25 चार बार में, 4 एक बार में, 4 27 बार में, तो कितना हुआ? 81। तो इसको 81 में कर लिया, मतलब 75 को 81 करके बेचा है ना। टोटल कितना करना है? 110 करना है, तो इसमें से
81 जा चुका है, 81 हमारे पास क्या हो चुका है, जा चुका है, तो बचा कितना हमारे पास 29, तो मतलब उसको 25 को 29 बना के बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का, कितने पे, 25 पे इंटू 100, एक बार में, 4 बार में, 4 चौक कितना हुआ, 16%, ये हमारा आंसर हुआ। इसका ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका इसका अल्टरनेटिव मेथड ही बताने वाला हूँ, अगर आपको इस मेथड से क्लियर नहीं हुआ है तो इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वो ऐसा है कि टोटल आपके पास 100 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम को कुछ लाभ पर बेचा और शेष को 8% प्रॉफिट पर बेचा और कुल को यहां पर क्या कर रहा है हमारे पास 10% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं इस 25 किलोग्राम को x परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसको कितने बेचा, 25 गुणित 100 प्लस x बटे 100 में बेचा, बचा कितना 75, इस 75 को 8% प्रॉफिट पर बेचा तो 75 गुणित 108 बटे 100 और कुल मिला के जो 100 है उस 100 किलोग्राम में कितने का लाभ हो रहा है 10% का, तो 110 बटे 100, ये कटा ये कटा, बचा 110, 25 तीन बार में, 25 चार बार में, 4 एक बार में, 4 27 बार में, तो ये कितना हुआ 81, तो इसका मतलब 25 एक बार में, 25 चार बार में, 100 प्लस एक्स बटे 4 बराबर ये 27 हुआ, 81 को यहाँ लाके माइनस किए तो कितना बचा, यहाँ बचा 29, बचा कितना 29, तो 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स बराबर 29 गुणी 4 कितना हुआ 116, तो एक्स बराबर 16, ये हमारा आंसर हुआ। कुछ लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना उसको भी। श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए के हिसाब से और 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए के हिसाब से खरीदा, एक साथ मिला दिया, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस दर पर मिश्रण को बेचा जाए, ठीक है भाई। पहले क्या किया है, पहले उसने 40 किलोग्राम को लिया है, क्या रेट के हिसाब से, 12.5 के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर उसको टोटल कितना रुपए पड़ा, उसको मल्टीप्लाई किए 50, 500 रुपए पड़ा, ठीक। और उसके बाद उसने 25 किलोग्राम चावल को किस रेट के हिसाब से, गेहूं को ही 15.1 के हिसाब से लिया, ठीक है। तो यहां पर उसको कितना पड़ा, 25 गुणित 15.1, 25 गुणित 15 कितना हुआ 375 और 2.5 तो 377.5, ये इसको पड़ा। तो वो 40 और 10 कितना ले चुका है 65, तो इसका मतलब उसने 65 किलोग्राम लिया है और कितना रुपया पड़ा उसको 7, 5 और 3, 8, ये उसको पड़ा है 65 किलोग्राम का, ठीक है। तो अप्रोक्स 1 किलोग्राम का उसको, अप्रोक्स 1 किलोग्राम का उसको कितना पड़ा, उसको 1 किलोग्राम का पड़ा है उसको 877.5 बटे 65, ये उसको 1 किलोग्राम का पड़ा है, ठीक है। अब वहां उसको कितना बेच रहा है, 10% पर प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इनटू 110 बटे यहां पर क्या हुआ 100, ये ऐसा कटा, ये ऐसा कटा, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से काटे
तो 13 बार में 5 से काटे तो 5 एक कम 5 बचा 37, 5 सत्ते 35 बचा 27, 5 पंचे 25, ठीक, 0.5 ये हमारे पास बचा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो 13 से काट के देखते हैं। ठीक है, 13 से काट के देखते हैं, 13 एकम कितना हुआ, 13 एकम यहाँ पर 13 बचा कितना 45, 45 मतलब 13 तिया 39, ठीक है, बचा कितना 6.5 मतलब 13.5 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनली आ गया। अब फाइनली 13.5 इंटू 11 अपॉन यहाँ पर क्या बचा है 10, अब इसको मल्टीप्लाई किए 11 से तो कितना हुआ 135, और यहाँ पर 135 5 8 4 मतलब 1485, यहाँ पॉइंट था और नीचे में यहाँ पे 10 था तो लास्ट में क्या बचेगा 14.85, यही हमारा आंसर होगा। दिया है 14.85, हाँ, तो 1 किलोग्राम को वह 14.85 के हिसाब से बेचेगा, जिसको हम एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं और नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्मल मेथड से बनाते हैं। अब अगर सहबोज एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक प्राप्त कर रहा है और गलत के लिए 4 अंक यहाँ पर क्या कर दे रहा है, खो दे रहा है। यदि उसने 80 प्रश्नों को किया और 310 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया? तो ऐसा मान लेते हैं उसने x प्रश्नों को सही किया और y प्रश्नों को गलत किया और इस प्रकार वह कुल 80 प्रश्न को सॉल्व किया। ठीक है, सही बनाने पे कितना मिल रहा है 6 अंक और गलती पे कितना कट रहा है 4 कट रहा है, इसलिए 4 क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर 6x माइनस 4y ऐसा करते हुए 310 अंक को प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि उसने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पे 4 है ना, ठीक, या फिर ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर कितने पर सही के मतलब x निकालना है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ऊपर में हुआ 4x प्लस 4y बराबर 320, ये हमारे पास हुआ। नीचे में 6x माइनस 4y बराबर 310, ठीक, दोनों को प्लस किए तो 4y क्या हुआ कैंसल हुआ, बचा 10x बराबर 630 कैंसल हुआ, ठीक, सॉरी कैंसल हुआ 0, तो x कितना आ गया हमारे पास 63, तो उसने 63 प्रश्नों को सही बनाया है। और अगर आप बोलेगा कि उसने कितने प्रश्नों को गलत बनाया है तो 80 माइनस 63 तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। ठीक, बहुत बार आपको बुक में आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉरी एलिगेशन मेथड से आपको क्या दिया होगा, यहाँ पर आपको सही करने का आपको 6 अंक और गलत करने का आपको 4 अंक बोलेगा और एवरेज एक क्वेश्चन का बोलेगा कि आपने 80 क्वेश्चन में 310 नंबर लाया है तो एवरेज एक क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 310 बटे 80 कट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये तरीका इजी पड़ेगा तो इस तरीके से कर लेना। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता, अक्सर वो आपको पूछता है मिल्कमैन वाला, वो आपको मिल्कमैन वाला ग्वाला, ठीक, एक ग्वाला क्या कर रहा है
वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, मतलब या दूध को उसके उसी मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, ठीक, जितने में ला रहा उतने में, उतने में, जैसे सपोज 20 रुपये प्रति लीटर खरीद के ला रहा है ना, तो आपको 20 रुपये प्रति लीटर ही आपको बेच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है, उसके बावजूद मान लो वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना, समझना क्या कर रहा है, उसके बावजूद वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का क्या कर रहा है, वह प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो इसमें दूध और पानी को वह किस अनुपात में मिलाएगा, समझे क्वेश्चन कैसा है, दूध और पानी को वह किस अनुपात में मिलाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अक्सर आपको क्वेश्चन पूछता है ये वाला, ठीक। 20% का क्या कर रहा है, वह प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कितने का, 20% का यहां पर क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, ठीक है, 20 का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो उस कंडीशन पे पानी मिला रहा है, मिक्स क्या कर रहा है, वाटर को यहां पर क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, वाटर को मिक्स कर रहा है, और हम उस कंडीशन में जानते हैं कि पानी हमको का जो रेट होता है उसको हम लोग यहां पर क्या लेके चलेंगे, 0 हम क्या करेंगे उसको लेके चलेंगे, तो यहां पर मिल्क हुआ और यहां पर क्या वाटर हुआ, ये 100 हुआ और ये कितना हुआ आपके पास, ये आपके पास कितना हुआ, ये आपके पास 0 हुआ, और प्रॉफिट किस अनुपात में चाहता है, वह प्रॉफिट कमाना चाहता है अपने पास किस अनुपात में, 20 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो यहाँ पर कितना हुआ 120, ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारे पास, ये हमारे पास हुआ, यहाँ माइनस किए तो 120, यहाँ माइनस किए तो कितना हुआ 20, कट जाएगा और ये क्या अनुपात होगा, 6:1, इस अनुपात में क्या करेगा वह पानी को मिलाएगा, याद रखना, ठीक। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर यहाँ पर पूछ सकता है, तो ये था हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक, ठीक। अब यहाँ सीरीज में क्या होगा, मंडे जब मैं वापस क्या होगा, सैटरडे जब मैं क्या आऊँगा, लाइव आऊँगा, तो इस हफ्ते आपने जितने प्रश्न बनाए ना वो सारे प्रश्न का आप वापस क्या कर लेना, संग्रह कर लेना, और वहाँ से क्या क्या डाउट्स होगा उसके लिए आप सैटरडे उपलब्ध रहिएगा। कोशिश करेंगे कि सैटरडे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि आप डाउट सेशन में अपने पूरे डाउट्स को सॉल्व कर सकें, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए